स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो कि रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन फेनोमेनॉन को परफॉर्म करता है, और वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन फेनोमेनॉन है वो बेसिकली होस्ट सेल के रेस्ट्रिक्शन सिस्टम और मॉडिफिकेशन सिस्टम पे बेस्ड होती है। अब अगर हम लोग ये बात करते हैं, जैसा कि ना क्लियर है कि जो भी हमारा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था वो हिंड सेकेंड था। हिंड सेकेंड को हम फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहते हैं, जो कि स्मिथ एंड केली द्वारा आइसोलेट किया गया था। और जिस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया था उसका नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ऐसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी वो बैक्टीरिया है जिससे फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया गया था और जिसका नाम था हिंटू। अभी तक जैसा कि हमने बताया कि लगभग यहाँ 500 लिखा हुआ है, लेकिन ये 5000 है। 5000 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी है और अलग अलग डिफरेंट टारगेट साइट से। और इसमें अगर हम देखें तो जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जैसा ये आपको क्लियर लग रहा है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है, लेकिन अगर इसमें हम ये देखें तो सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है वो टाइप 2 ही है। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो यूज करते हैं वो टाइप 2 का यूज करते हैं। तो अभी ये डिस्कस हो जाएगा और आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हम टाइप 2 का ही क्यों यूज करते हैं। लेकिन अभी आप जान जाइए कि टाइप 3 तरह के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो यूज होता है वो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की, तो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस में वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आता है जो एटीपी रिक्वायर होता है, जिसमें मैग्नीशियम आयन रिक्वायर होता है और एस एडनोसिन मैथियोनिन रिक्वायर होता है। एक्चुअली एस सैम जो होता है को फैक्टर होता है, एस एडनोसिन मैथियोनिन जो कि को फैक्टर होता है जो इस टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए चाहिए। तो इस एंजाइम को वर्क करने के लिए एटीपी, मैग्नीशियम आयन और सैम चाहिए होता है और ये टारगेट साइट को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ रिकॉग्नाइज करता है वहाँ पे कट नहीं करता है। एक हर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की दो साइट होती हैं, एक रिकॉग्निशन साइट और एक टारगेट साइट। तो आज तक कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस नहीं बना है जो जहाँ पे रिकॉग्नाइज करे वहीं कट कर दे। तो हमारे लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वो होगा जो टारगेट साइट और रिकॉग्निशन साइट के नियर बाई हो, यानी जहाँ उसका टारगेट साइट हो उसके बगल में ही रिकॉग्निशन साइट हो। तो टाइप 1 में क्या होता है कि ये लगभग रिकॉग्निशन साइट तो इसका 15 बेस पेयर होता है, लेकिन ये जो कट करता है